अस्सलाम वालेकुम डेर स्टूडेंट्स आई एम सैयद अरसलान बुखारी और केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट्स आज हमने नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज जो कि हम पिछले लेक्चर में मुकम्मल नहीं कर सके थे उन प्रॉपर्टीज़ को अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चलें आपको बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि नाइट्रिक एसिड किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा डे स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन जिसका भी हमने डिस्कस किया के उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन एज एन एसिड और मेटल्स के साथ जो रिएक्शन हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स यहां पे मैंने जो फर्स्ट हेडिंग बनाई है दैट इज द रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड्स हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स आप पिछले पार्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वो हमने उसकी पी के ए वैल्यू से भी अंदाजा कर लिया था तो उसकी पी के वैल्यू जो है वो माइनस वन पॉइंट फोर थी तो माइनस वन पॉइंट फोर का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सो इट विल प्रोजेस ऑल द यूजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज दैट एन नॉर्मल एसिड प्रोजेस अब वो क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं एसिड के जो कॉमन केमिकल रिएक्शन इससे पहले भी आप पढ़ते आए हैं आपने पढ़ा था कि वैन इट रिएक्ट्स विद बेसिस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर

ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में हमें यहाँ पे आपको सॉल्ट यानी कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में वाटर बनता हुआ नजर आ रहा है सो डियर स्टूडेंट्स ये जो तीन रिएक्शंस मैं मार्क कर रहा हूँ इन तीन रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कह सकते हैं सो इट विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन दीज ऑल आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन व्हिच एसिड्स एंड बेसिस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म And water. और इसी तरह अगर इसका रिएक्शन हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवा दिया जाए तो यह भी एक न्यूट्राइजेशन रिएक्शन होगा यानी यहां पर आप देख ये बेसिक ऑक्साइड और ये का नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल इड्रो ऑक्साइड्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर तो ये तीन रिएक्शन तो समझ आ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस के जिससे सॉल्ट और वाटर बन रहा है इफ वी टॉक अबाउट दिस रिएक्शन तो ये जो स्कीम आप पढ़ते आ रहे हैं वो है एसिड प्लस कार्बोनेट्स या बायकार्बोनेट्स यहां पर मैंने एग्जाम्पल कार्बोनेट की दे रखी है दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड इट प्रोड्यूस अ सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो बच्चो ये एक एसिड है और इसकी बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स जैसी ही हैं so इससे पहले जो हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा ना वो एक एक अहम प्रॉपर्टी है क्योंकि नॉर्मली नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन आमतौर पे करते नहीं है लेकिन नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा है कि वो कर जाता है ये तो सारी वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक एसिड जो है वो प्रोसेस करता है आपने इससे पहले भी डिफरेंट एसिड्स को पढ़ा है वहां पर भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि बेसिस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके वो एसिड और सॉल्ट uh, और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सो दीज आर द नॉर्मल यू कैन से रिएक्शंस जो हर एक ऑर्डनरी एसिड जो है वो भी प्रोसेस करता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शन विद मेटल्स कि ये मेटल्स के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करता है बेटा मेटल्स के साथ जो इसके रिएक्शन है ना वो वेरी करते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से यानी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं याद रखिएगा मेटल्स के साथ जो इसका रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पहली बात अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं फर्स्ट कीजिए कॉपर कॉपर का अगर रिएक्शन करवाया जाता है डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और फिर एक रिएक्शन करवाया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ द प्रोडक्ट्स वुड बी डिफरेंट तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बड़ी अहम चीज है तो इसने मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन करना है जो पहला फैक्टर जो इस पर असरअंदाज होगा दैट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पॉइंट नंबर टू नेचर ऑफ मेटल जो मेटल है वो किस नेचर का है इससे पहले आपने पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में पढ़ा कुछ इनर्ट मेटल्स हैं अनरिएक्टिव मेटल्स हैं कुछ मॉडरेट रिएक्टिव हैं कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो ये सारे के सारे नेचर जो है ना नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है यानी सिर्फ नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा ये नेचर ऑफ द मेटल पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि वो मेटल कितना रिएक्टिव है उसकी रिएक्टिविटी कितनी है यानी वो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा सो so, ये मेटल की रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा और तीसरे नंबर पे जो फैक्टर है बेटा दैट इज टेम्परेचर आम तौर पर देखा गया है कि हाई टेम्परेचर सूट करता है नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस को तो जो टेम्परेचर है ना वो बड़ा अहम होता है जब हम मेटल्स के रिएक्शंस की बात कर रहे होते सो स्टूडेंट्स दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट विल कंट्रोल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स और ये सिर्फ मेटल्स के साथ नहीं है बच्चों ये इससे पहले भी हम पढ़कर आ चुके हैं कि नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसा है कि डिल्यूट जब था नाइट्रिक एसिड तो वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था लेकिन उन्हीं नॉन मेटल्स के साथ वो रिएक्ट कर गया जब वो कॉन्सेंट्रेटेड था सो इट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन द नेचर एंड द टेम्परेचर दीज फैक्टर्स विल डिसाइड वेदर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी है अगर रिएक्शन हो रहा है तो कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन तीनों फैक्टर्स ने ही जो है वो डिसाइड करना होता है सो so अब देखते हैं कि किन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके क्या क्या चीजें जो है वो प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनर्ट मेटल्स हैं लाइक गोल्ड इरीडियम एंड टाइटेनियम ये हैं इनर्ट मेटल्स अन रिएक्टिव मेटल्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा दीज रिएक्शंस डू नॉट रिएक्ट ये एच एनओ थ्री के साथ रिएक्ट नहीं करते अब इसमें एच थ्री का कोई किरदार नहीं है ये तो किसी चीज के साथ भी रिएक्ट नहीं करते जल्दी करके आपने देखा है गोल्ड है गोल्ड एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता गोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता जो कि आम दूसरे मेटल्स कर जाते सिमिलरली गोल्ड और उस जैसे और इनर्ट मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ भी जो है वो रिएक्ट नहीं करते तो यहां पर यानी डिसीजन लेने वाला कौन सा फैक्टर हो गया नेचर ऑफ द मेटल वो मेटल की नेचर ही ऐसी है कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा दैट इज़ वाई वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता अलबत्त गोल्ड के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि गोल्ड जब हम एक्वा रीजिया बनाते हैं नाइट्रिक एसिड से कंबाइनिंग इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो गोल्ड उसके अंदर जो है वो डिजोल्व हो जाता है लेकिन अगर प्योर नाइट्रिक एसिड है तो वो गोल्ड को कुछ नहीं करेगा ना उसको डिजॉल्व करेगा और ना ही उसके साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आयरन कोबाल्ट निकल क्रोमियम और एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स दीज आर द मेटल्स विच नॉर्मली शो द प्रोसेस ऑफ पैसिवेशन बच्चों आपके लिए बिल्कुल एक नई टर्म है पैसिवेशन पैसिवेशन क्या होता है पैसिवेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन रिटार्डेशन मतलब कम हो जाना रुकावट आ जाना ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड लेर अब बच्चों होता क्या है मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं सिर्फ इनमें से एक की कॉमन एग्जाम्पल दे देता हूं और वो है एल्यूमिनियम जैसे ही हम एल्युमीनियम का ना रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड जो कि एक ऑक्सीडाइजर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह अलुमिनियम की ऑक्सीडेशन कर देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है वो जो एल्युमिनियम का पार्ट है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेता है तो वो उस लेयर की वजह से अंदर मजीद सप्लाई ऑक्सीजन वगैरह की रुक जाती है तो जब वो रुक जाती है स्टूडेंट्स तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये रुक गया प्रोसेस दिस प्रोसेस यानी रिएक्शन रुक गया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिवेशन सो इट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर तो ये सारे आयरन है कोबाल्ट निकल क्रोमियम और एल्यूमिनियम जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये नहीं कह रहा कि ये रिएक्ट नहीं करते ये रिएक्ट करते हैं लेकिन कुछ ही देर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की लेयर बन जाती है विच विल कवर द मेटल जिसकी वजह से मजीद रिएक्शन जो है ना वो स्टूडेंट्स रुक जाता है सो ये आपने जहन में रखना है कि ये रिएक्शन इस तरीके से होते हैं टंगस्टन और यूरेनियम के अगर रिएक्शंस की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके ना इनको इनके ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है चूँकि इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजर तो ये इनकी ऑक्सीडेशन कर देता है टंगस्टन का भी ऑक्साइड बना देता है और यूरेनियम के भी ऑक्साइड्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये तो थे उन मेटल्स के साथ रिएक्शंस जिनके साथ या तो कर ही नहीं रहा या पैसिवेशन कर रहा है, या थोड़े से रिएक्टिव रिएक्शंस जो शो हो रहे हैं अब चलते हैं उन मेटल्स की तरफ जिन मेटल्स के साथ ये नस्बतान ज़्यादा अच्छे रिएक्शंस शो कर देता है उसमें से फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद मैगनीम एंड मैंगनीस और याद रखिएगा यही रिएक्शन सिमिलर फॉर कैल्शियम है यानी कैल्शियम के साथ भी यही रिएक्शन होता है यानी अगर हम कैल्शियम का नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कर दें तो स्टूडेंट्स यही चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दे विल कन्वर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट यानी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो इसका मतलब है ये दो रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर सो so, ये वही नॉर्मल रिएक्शन हैं जो इससे पहले आप एसिड्स के पढ़ते हैं जैसे ये हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है इसी तरह हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नीशियम मैंगनीज कैल्शियम ये वो मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन करते हैं विद नाइट्रिक एसिड और ये प्रोड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन गैस तो दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल अब आते हैं रिएक्शन विद कॉपर एंड लेड पर स्टूडेंट्स जब इसका रिएक्शन कॉपर के साथ होता है मैंने यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्शन शो करवाया है क्योंकि ये आपकी बुक में है और स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर आप कॉपर की जगह यहाँ पे लेड लगा देते हैं जहाँ जहाँ कॉपर लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे लेड लगा देते हैं द रिएक्शन वुड बी सेम तो आप कॉपर का रिएक्शन बिल्कुल लेड की तरह या लेड का रिएक्शन बिल्कुल कॉपर की तरह आप करवा सकते हैं अब स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा यहाँ पर मैंने दो रिएक्शन शो किए एक में हमें नजर आ रहा है कि थ्री यूनिट्स ऑफ कॉपर आर रिएक्टिंग विद एट यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड जिसके नतीजे में बन रहा है कॉपर नाइट्रेट के तीन यूनिट्स टू यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फोर यूनिट्स ऑफ वाटर स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज वेन डिलियूट एच एंड नो थ्री वॉज रिएक्शन तब हुआ जब हमने डिल्यूट एच थ्री इस्तेमाल किया तो ये आप देखें जैसे ये आप यूज़ करते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमने डिल्यूट एसिड यूज किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रहा है तो हम कह सकते हैं इस बात को हमने पहले इससे पिछले पार्ट में भी देख लिया था जब हमने डिस्कस किया था कि जब ये डिल्यूट फॉर्म में यूज होगा ना तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा अब मेटल वही है कॉपर मेटल वही है और नाइट्रिक एसिड भी वही है लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो गया और इस दफा एनओ NO की बजाय हमें प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है एनओ टू दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये रिएक्शन कब हुआ स्टूडेंट्स ये रिएक्शन तब हुआ व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाज़ यूज्ड जब हमने डिलीवट की बजाय कॉन्सनट्रेट एच एन ओ थ्री को क्या किया यूज़ किया ये तब हुआ अच्छा अब ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स को देख लें पहले रिएक्शन में भी कॉपर नाइट्रेट इधर भी कॉपर नाइट्रेट लेकिन यहाँ पे भी वाटर यहाँ पर भी वाटर लेकिन प्रोडक्ट्स चेंज हुए नाइट्रोजन के हवाले से जो ऑक्साइड्स हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के केस में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के केस में देख देखिए स्टूडेंट्स हमारा फोकस किस चीज पर होना चाहिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इन दोनों में से ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा था उसका अंदाजा आप देखें मैं यहां पे स्टोकायोमीट्रिक रेशोज आपके सामने निकालता हूं ठीक है रिएक्टेंट्स की रेशोज देखिएगा आपके पास यहां पे देखें तो रेशो में मिलती है थ्री रेशो एट आप देख सकते हैं थ्री यूनिट्स ऑफ कॉपर एंड एट यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड जबकि उसी तरह के रिएक्शन में वन रेशो फोर हमें नजर आ रही है तो स्टूडेंट जरा फोकस कीजिए कि हुआ क्या वन यूनिट ऑफ कॉपर या हम यू कह सकते हैं वन मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्स फोर यूनिट ऑफ फोर यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे क्या है थ्री मोल्स है ना कॉपर के और फोर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है वन टू फोर वाला वो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें बाकायदा एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है याद रखिएगा कि कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में जब ये होता है तो ये ज़्यादा अच्छा रिएक्शन शो करता है एज कंपेयर टू जब ये डिल्यूट की फॉर्म में हो प्रोडक्ट्स में चाहे फर्क आ गया यानी उसकी कॉन्सेंट्रेसन जो हम डिस्कस करके आए ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एंड थ्री जो है मैटर करती है तो इसके जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन हैं वो हमें ज्यादा बेहतर नस्बता बेहतर नजर आते हैं एज कम्पेयर टू डिलीड फॉर्म सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल जो है वो मायने नहीं रख रही यहां पे एक्चुअली उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिसाइड कर रही है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन वुड बी एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड और मैंने आपको शुरू में बता दिया कि लेड के साथ भी सेम रिएक्शन होगा जहां जहां पे कॉपर लगा हुआ है वहां वहां पर आप लेड लगा दीजिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिएक्शन है विद मर्क्यूरी स्टूडेंट्स uh, आपको पता है कि मर्करी जो है वो दो तरह के आइंस बनाता है और यहां पे हमें दोनों तरह के आइंस बनते हुए नजर आएंगे एक है जिसको हम कहते हैं कि वो मर्क्यूरस आइन है स्टूडेंट्स मर्क्यूरस आइन क्या होता है जिसमें मर्करी के ऊपर प्लस वन चार्ज नजर आए और उसको यू भी लिख दिया जाता है ओके okay, बात एक ही है तो जब ये प्लस वन वाले दो कंबाइन होंगे तो जाहिर है एच जी टू प्लस टू हो जाएगा इसको हम कहते हैं मर्क्यूरस आइन और जब उसके ऊपर प्लस टू चार्ज जा आ जाता है ना तो उसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक आइन तो इसमें हम एच जी प्लस टू देखते हैं अच्छा स्टूडेंट्स आप जरा गौर कीजिए यहां पर मैंने मर्करी के साथ भी दो रिएक्शन शो किए हैं अब जरा फोकस आप इस चीज पर देखिएगा यहाँ पर मरकरी के ऊपर चार्ज आ रहा है प्लस वन और यहाँ पे मरकरी के ऊपर चार्ज आ रहा है प्लस टू क्योंकि आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स के एनओ थ्री पे एज अ होल माइनस वन चार्ज होता है दो एनओ थ्री का मतलब है माइनस टू तो वो जब दो पे माइनस टू प्लस टू डिवाइड होगा तो वो प्लस वन हो जाएगा और चूंकि यहाँ एक ही मरकरी है तो एक के ऊपर ही प्लस टू आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर भी वही मामला हुआ है कि जब हमने डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवाया ना मर्करी का सो द प्रोडक्ट वॉज मर्क्यूरस नाइट्रेट डिल्यूट के साथ मर्क्यूरस नाइट्रेट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेन वी रिएक्टेड द सेम मेटल विथ कॉन्सेंट्रेटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट गेट्स चेंज द प्रोडक्ट इज मूरिक नाइट्रेट अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो स्टूडेंट्स ये बात तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि जब इसको डिल्यूट फॉर्म में यूज करेंगे तो इस तरफ हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ जाएगा तो वही काम यहाँ पे मरकरी के साथ भी होता हुआ हमें नजर आ रहा था रिएक्शन इज वेरी सिंपल सिक्स यूनिट्स ऑफ मर्कूरी रियक्ट विद यूनिट्स ऑफ नाइट्रिकोड नाइट्रेट टू यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फोर यूनिट्स ऑफ वाटर बट इन कॉन्सनट्रेटेड फॉर ओनली वन यूनिट ऑफ मर्क्यूरी रिटायट्स विद फोर यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड टू यूनिट्स ऑफ वाटर तो यही डिटेल ऊपर से नीचे मूव कर रही है स्टूडेंट्स रिएक्शन सिल्वर आप देखिए कि ये बड़ा एक सिंपल सा रिएक्शन है आप देख सकते हैं सिल्वर के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सिल्वर जो है ना वो डू नॉट रिएक्ट विव डिल्यूट नाइट्रिक एसिड डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ स्टूडेंट्स सिल्वर का रिएक्शन नहीं होता क्योंकि सिल्वर जो है वो भी नॉन रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी से ही ताल्लुक रखता है उसकी रिएक्टिविटी कोई बहुत अच्छी नहीं है सिल्वर की दैट इज वाई इसका रिएक्शन हम जब भी करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करवाएंगे स्टूडेंट्स तो रिएक्शन होगा वरना नहीं होगा डिल्यूट के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा रिएक्शन इज वेरी सिंपल थ्री यूनिट्स ऑफ मर्क्यूरी थ्री यूनिट्स ऑफ सिल्वर रिएक्टिंग विद यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस थ्री यूनिट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अपने अपने सॉल्ट बन रहे हैं सारे ही मेटल्स जो हैं वो अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस टू यूनिट्स ऑफ वाटर सो द रिएक्शन इज वेरी सिंपल अब आते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद टिन अब यहाँ पर एक बात आपने गौर करनी है कि ये भी मैंने दो रिएक्शन लिखे हुए द फर्स्ट रिएक्शन इज एच एन ओ थ्री इस फर्स्ट रिएक्शन में डिल्यूट है पहले रिएक्शन में अच्छा अब डिल्यूट होने की वजह से देखें क्या हो रहा है फोर यूनिट्स ऑफ टेन रिएक्टिंग विद टेन यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस स्टेनिक नाइट्रेट स्टेनिक नाइट्रेट या टिन नाइट्रेट भी कहा जा सकता है और आप देखिए कि यहां से हमने प्रोड्यूस क्या कर लिया स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस किया है अमोनियम नाइट्रेट इसका मतलब टेन को यूज करते हुए नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करके हम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये एक एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है तो इसके इंडस्ट्रियल यूजेस जो है वो बहुत ज्यादा है तो आप देखें कि जस्ट टिन का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लेकिन जब उसी मेटल टिन का रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये तब हमने करवाया वेन एच एन ओ थ्री इज कॉन्सेंट्रेटेड तो जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करवा दिया तो आप देखें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि टिन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है टिन ऑक्सीडाइज होकर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और वो जो ऑक्साइड है ना एस एन ओ टू होता है, ये जो है ना ये टिन पहले रिएक्शन में क्या बी कन्वर्टेड इन टू टिन ऑक्साइड स्टेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ये फिर ये स्टेनिक ऑक्साइड जो है वो अपने एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस एसिड इज कॉल्ड एज स्टेनिक एसिड या फिर मेटा स्टेनिक एसिड असल में ये जो मेटा स्टेनिक एसिड है ना स्टूडेंट्स ये इसी स्टैनिक ऑक्साइड की हाइड्रस फॉर्म है यानी अगर इसके अंदर ही वाटर मिला लिया जाए ना तो ये स्टैनिक एसिड या मेटा स्टेनिक एसिड बन जाता है विद द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो आप देखें टिन के साथ भी वही मामला हो रहा है कि यहां पर भी मेटल वही है टिन लेकिन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है उसने डिसाइड करना है कि आगे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट मेटल रिएक्शन की तरफ जो कि है रिएक्शन विद जिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन रिएक्शंस दिए गए हैं अब इन तीनों में फर्क क्या है वही फर्क जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड का फर्क है स्टूडेंट्स ये जो पहला रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना इसमें एसिड बहुत ही डिल्यूट है वेरी डिल्यूट है तो आप देखें कि जब ये बहुत डिल्यूट आपने ए थ्री यूज किया बच्चों तो फिर आपने अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर लिया और ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि वो फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ होता है और एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी यूज होता है इसी तरह जब हमने आगे थोड़ा सा यानी मॉडरेटली या मॉडरेट डिल्यूट इस्तेमाल किया मॉडरेटली डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जब हमने यहां पर यूज किया मॉडरेटली डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जब हमने यहां पर यूज़ किया स्टूडेंट्स आप देखें कि हम नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड को हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया ये पूरे रिएक्शंस जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सबसे यूनिक है क्योंकि ये वाहिद ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एन टू ओ यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है जस्ट थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की नाइट्रिक एसिड की और ये लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें जब आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी और कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल किया जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड एच एन थ्री इस्तेमाल किया ना तो कॉन्सेंट्रेटेड एच एन थ्री इस्तेमाल करने के बाद आप देखें मेटल वही है जिंक लेकिन आपने कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल किया सॉल्ट वही बन रहा है लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया सो so एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जब भी हम किसी मेटल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हैं ना तो बनने वाले प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें नज़र आ रहा है इसके अलावा जब मॉडरेटली डिल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ करवाया तो ये वाहद रिएक्शन है जिसमें हमें नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है सो डियर स्टूडेंट्स रिएक्शंस विद मेटल्स के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से नेचर ऑफ द मेटल भी डिपेंड उस पर भी डिपेंड कर रहा है साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स Now let's move on to the last part of this topic, the last property of nitric acid, its chemical property as well as its one of the largest uses, that is the production of aqua regia. Students, अगर मैं summarize करूँ, तो इससे पहले हमने जितनी भी properties पढ़ी हैं, chemical properties, उन सब में हमने एक चीज पढ़ी है कि it will act as a oxidizer, ये एक oxidizing agent के तौर पे काम करता है, आपने देखा इससे पहले के नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर गया मेटलॉइड्स ने भी इसके साथ रिएक्शन किया और मेटल्स ने भी ढेर सारे मेटल्स का रिएक्शन हम इसके साथ पढ़कर आएँ फिर हमने देखा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी ये रिएक्शन कर जाता है इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसका एक रिएक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्वा रीजिया और आप देखिएगा कि ये इसका सबसे बड़ा यूज निकलेगा नाइट्रिक एसिड का स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको पढ़ते हैं कि एक्वा रीजिया असल में है क्या बच्चों इसके बहुत सारे नाम हैं रीजिया को एक्वा रीजिस भी कहा जाता रहा स्टूडेंट्स इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है और इसको रीगल वाटर भी कहा जाता है तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो केमिकल नेम है डियर स्टूडेंट्स वो तो एक्वा रीजिया ही है प्रॉपर अगर केमिकल नेम देखें तो वो कुछ और निकलता है एक्चुअली ये मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का तो इसलिए इनको मिला के हम एक केमिकल नेम बनाते हैं बट मोस्ट कॉमनली ये एक्वा रिजिया के नाम से ही जाना जाता है स्टूडेंट्स ये जो दो नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं ना रॉयल वाटर और रीगल वाटर यहीं से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसको रॉयल वाटर इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक ऐसा सोलूशन है या एक ऐसा मिक्सचर है

स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि गोल्ड है या प्लेटिनम है ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं तो इनको डिजोल्व करने के लिए एक खास लिक्विड तैयार किया जाता है एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है एक मिक्सचर तैयार किया जाता है एंड दैट मिक्सचर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्वारीजिया सो एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर दैट इज एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड अदर नोबल मेटल सच एज प्लेटिनम सिल्वर भी इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको रॉयल वाटर या रीगल वाटर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है गोल्ड वगैरह को डिजोल्व करने की और इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नाइट्रिक एसिड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो रिएक्शन कैसे होता है ये रहा नाइट्रिक एसिड जो कि होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इट मस्ट बी इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCL, और स्टूडेंट्स ये भी क्या होना चाहिए ये भी concentrated form में ही होना चाहिए so, मैं यहाँ पे mention कर देता हूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टूडेंट्स इसके लिए इसकी रेशो जो है ना वो याद करना बहुत जरूरी है एंड रेशो इज वन रेशो थ्री याद रखिएगा वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड थ्री पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस काम के लिए हमें चाहिए सो so स्टूडेंट्स जब आप इस रेशो में इन दोनों को आपस में मिला देते हैं इट फॉर्म्स एक्वारिजिया सो एक्वारिजिया एक मिक्सचर है स्टूडेंट्स ये एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर की क्वालिटी आप देख लें कि इसके अंदर ये रेशो होगी वन रेशो थ्री के अंदर ये होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का वन पार्ट और थ्री पार्ट होंगे कॉन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दिस मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज एक्वारीजिया तो सबसे पहले तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मार्क कीजिए कि ये बहुत अहम है और ये रेशो जो है इसको एम सी क्यूज़ के हवाले से नोट कर लीजिए कि वन रेशो थ्री होना चाहिए सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्वारीजिया मुख्तलफ़ नाम भी उसके मैंने बता दिए और ये भी बता दिया कि असल में उसका काम क्या है और उसको प्रिपेयर क्यों किया जाता है अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे कि स्टूडेंट्स ये वर्क कैसे करता है बच्चों ये ये वर्क करता है बाय प्रोड्यूसिंग क्लोरीन। तो जरा गौर से देखिएगा अब हमारे पास आप ये देखें कि ये रहा एच एन ओ थ्री कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस वन रेशो थ्री है थ्री पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल तो स्टूडेंट्स ये एकजिया का मिक्सचर आपके सामने पड़ा हुआ है जैसे ही आप इसमें गोल्ड वगैरह को डिसॉल्व करते हैं इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होता है एक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है एनओ सी एल बच्चो ये एनओ सी एल हमने अभी कुछ लेक्चर्स पहले ही हम इसको पढ़कर आए हैं आपको याद होगा कि हमने जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का रिएक्शन क्लोरीन वगैरह के साथ करवाया था तो वहां से एनओ सी एल प्रोड्यूस हुआ था तो स्टूडेंट्स ये एनओ सी एल प्रोड्यूस होता है दिस एन ओ सी एल इज नेम्ड एज नाइट्रोसिल क्लोराइड तो ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड इसके अलावा स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है क्लोरीन गैस अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ टू यूनिट्स ऑफ वाटर तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन होता है ऑन डिसॉल्विंग गोल्ड इन इट या जो भी नोबल मेटल्स वगैरह हम इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं पर्टिकुलरली हम गोल्ड की बात करेंगे तो ये एक मिक्सचर पड़ा होता है कंसंट्रेटेड दो कंसंट्रेटेड एसिड्स का हम उनको मिलाकर रखते हैं 1:3 में गोल्ड को डिजोल्व करते हैं यह रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में नाइट्रोसिल क्लोराइड का एक यूनिट क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर के यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोसिल ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड यहां पे प्रोड्यूस हुआ है ना ये नाइट्रोसिल क्लोराइड डिकम्पोज होता है और बच्चों जैसे ही ये डिकम्पोज होता है ना तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस यानी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स ये जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई है ना ये ये मोलेकुलर फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो जाती है और यहां पे अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देते हैं तो ये नेसेंट फॉर्म में भी क्रिएट होती है तो स्टूडेंट्स ये जो क्लोरीन है ना नाउ दिस क्लोरीन विल रिएक्ट थ गोल्ड एंड अदर मेटल्स ये उनके साथ रिएक्ट करती है और उसको डिजॉल्व करती है टू प्रोड्यूस देयर क्लोराइड्स उनको क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर वो क्लोराइड्स इसमें डिजोल्व हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये जो क्लोरीन से प्रोड्यूस हुई है फर्स्ट कीजिए कि हम इसमें ला के गोल्ड डिजोल्व करते हैं तो गोल्ड के साथ जैसे ही ये क्लोरीन नेसेंट फॉर्म में रिएक्ट करेगी तो आप ऊपर भी इसको नेसेंट फॉर्म में लिख सकते हैं मलैकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो ये नेसेंट फॉर्म में क्या आएंगे थ्री यूनिट्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करते हैं जिसके नतीजे में गोल्ड का ए यू सी एल थ्री गोल्ड का एक क्लोराइड प्रोड्यूस होता है एक्चुअली ए यू सी एल फोर नेगेटिव क्रिएट होता है स्टूडेंट्स यानी टेट्रा कलराइड प्रोड्यूस होता है गोल्ड का और वो डिजॉल्व हो जाता है बट अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर हम चले तो ट्राई कलराइड प्रोड्यूस होता है और इस तरीके से आयरन गोल्ड जो है वो अपने इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है सो so, स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से ये दो चीजों का मिक्सचर पड़ा हुआ था और इन्होंने आपस में रिएक्शन किया टू प्रोड्यूस नाइट्रोसिल क्लोराइड नाइट्रोसिल कलोराइड हल्के से हीट करने पे टूट के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस जो कि मेलेक्यूलर और दोनों यानी नेसेंट फॉर्म में बन सकती है यही क्लोरीन आगे आके गोल्ड के साथ रिएक्ट करती है और उसको उसके ट्राई हेलाइड ट्राई क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है इस तरीके से गोल्ड इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है अगर सिर्फ आप नाइट्रिक एसिड के अंदर स्टूडेंट्स गोल्ड को डिजोल्व करेंगे वो नहीं होगा क्योंकि हमने देखा है कि इसको डिजोल्व करने के लिए क्लोरीन का प्रोड्यूस होना जरूरी है और वो क्लोरीन प्रोड्यूस होगी नाइट्रोसिल क्लोराइड से और वो नाइट्रोसिल क्लोराइड इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा तो गोल्ड को वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता कोई एक ख़ास प्योर एसिड लेकर आएंगे गोल्ड उसमें भी डिज़ोल्व नहीं होता उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी रखा जाए तो गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह रिएक्शन नहीं करते हैं लेकिन अगर उसका रिएक्श अगर उसका मिक्सचर बना लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक ख़ास रेशो में जिसका नाम है एक्वा तो फिर ये गोल्ड और दीगर रेयर uh, या नोबल मेटल्स को अपने अंदर क्या कर लेता है डिजोल्व कर लेता है सो दिस इज़ हाउ एक्वा रीजिया वर्कस एंड इट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड बट ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एक्वा रीजिया विच इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड अदर नोबल मेटल्स तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड का टॉपिक खत्म होता है अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर और वो है यूजेस हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड के हमें एप्लीकेशन क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर ज्यादा तफसील में बहुत ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं उनमें आपने देखा है कितनी फायदेमंद चीजें पैदा हो रही हैं तो फायदेमंद चीजें जब पैदा हो रही हैं तो वो बेसिकली उसके यूजेस में ही लिखा जा सकता है सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है अब आप देखें कि हमारे पास जब हम लेबॉर्ट्रीज़ में वर्क करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में कैल्शियम मेटल भी पड़ा होता है सोडियम वगैरह तो बहुत रेयर है कि उसको हमने लेबॉट्रीज़ में रखा हो क्योंकि वो इतना रिएक्टिव होता है वो एयर के साथ ही रिएक्शन कर जाता है लेकिन बहर आल में उसको रखा होता है कैरोसिन ऑयल वग़ैरह में डाल के लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास लेबॉट्रीज़ में मुख्तलिफ में तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पड़े होते हैं तो इसके साथ रिएक्शन करके हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली आप देखें कि हम पीछे रिएक्शन पढ़कर आए हैं कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स की प्रोडक्शन के लिए तो हम नाइट्रिक एसिड ही यूज करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि नाइट्रेट्स ने नाइट्रिक एसिड से ही जनरेट होना है तो ये जितने भी नाइट्रेट्स हैं कैल्सियम नाइट्रेट हो गया या इसके अलावा अगर हम देखें मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया तो ये सारे के सारे नाइट्रेट्स

या बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है स्टूडेंट्स तो हमने देखा है कि ये अमाइनो बेंजीन और इस तरह की चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है टोलोवीन से टी एन टी ट्राइनोवीन में कन्वर्ट हो रहा है ये सारे के सारे हैं सो स्टूडेंट्स बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज किया जा सकता है इसके अलावा स्टूडेंट्स एचिंग का जो प्रोसेस है जिसके ऊपर हम पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ग्लास एचिंग या मिरर एचिंग होती है जिसके ऊपर हम ग्लास या मिरर के ऊपर मुख्तलिफ नक्शों निगारी करते हैं उसमें भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो हमने रिएक्शंस में भी देख लिया कि जब हम इसका रिएक्शन मुख्तलिफ मेटल्स के साथ करवा रहे थे तो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ से प्रोड्यूस हो गया और अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होने की वजह से हमने कहा कि फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ होता है सो जी स्टूडेंट्स दीज आर द Uh, important uses of uh, nitric acid as well as the largest use is the production of aqua regia in its and its applications to ye aapke paas complete topic tha nitric acid ka it is uh, one of the lengthiest topics uh, from this chapter lekin ye ek long question hai jisko aapne prepare karna hai बिलखसूस इसकी preparation by बर्कलैंड आइट्स method वो भी आपने prepare करनी है और साथ ही साथ इसकी chemical reactions को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाजमन prepare कीजिएगा सो डियर स्टूडेंट्स दैट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया है इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात होती है तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़